टीम इंडिया खेलने उतरती है 43 दिन के लंबे वनवास के बाद में बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच, और वो बांग्लादेश की टीम जो रिसेंटली अभी पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज उनके घर पे जीत के आई है। और सेशन की शुरुआत होती है, पहले दिन की शुरुआत होती है और इंडिया 44 रन पे 3 विकेट खो देती है, और ऐसा लगा कि गया टीम इंडिया के हाथ से मुकाबला। और पहले सेशन में 88 रन बनते हैं और 3 विकेट खो देते हैं, और बड़े विकेट, रोहित शर्मा 6 रन बना के आउट, गिल भाई साहब तो अनलक्की रहे 0 रन बना के आउट हो गए, विराट कोहली भाई साहब 6 रन बना के आउट हो गए, गौतम गंभीर भाई साहब सोच रहे हैं ये क्या हो गया यार। निराली, तुम लोग इस वक्त यहाँ? वो तो मैं उनका डगआउट में इंतजार कर रहे हैं कि इनको तो गालियां देनी ही देनी है इसके बाद। और विराट कोहली भाई साहब, विराट कोहली क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ जो बॉल आती है ना कवर ड्राइव खेलने के लिए, उसके पीछे ऐसे भग रहे हैं कि मैं हर बॉल पे कवर ड्राइव खेलूं यार। कुछ थोड़ा समय दो कोहली साहब, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, पर कुछ आउटसाइड ऑफ डिलीवरी को आप छोड़ना पड़ेगा यार, बहुत बार आप आउट हो चुके हो। तो इंडिया एक समय 44 रन पे 3 विकेट खो चुकी थी, फिर गौतम गंभीर का एक मास्टर स्ट्रोक, एक मास्टर चाल आती है, नंबर 5 पे केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए था, पर गौतम गंभीर भाई साहब ने बोला नहीं 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 यार, विकेटें गिर रही है, ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो जाके काउंटर अटैक करे इन गेंदबाजों पे, जो बांग्लादेश के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ना उन पे प्रेशर बनाए, इसलिए नंबर 5 पे ऋषभ पंत भाई साहब को भेज दिया। और ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने धागे खोल के रख दिए, जहाँ एक समय टीम इंडिया ने 44 रन पे 3 विकेट खो दिए थे, उस वक्त उसके बाद में पहले सेशन में कोई विकेट नहीं हुआ, दूसरे सेशन की शुरुआत होती है, पहले सेशन में 88 रन बने 3 विकेट होके, दूसरे सेशन की शुरुआत पॉजिटिव वे में हुई, ऋषभ पंत ने आते एक चौका मारा, ऐसा लगा कि ऋषभ पंत एक बड़ी पारी के लिए तैयार है, पर पंत भाई साहब भी अगली ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, हाफ हार्टेड एक शॉट खेलते हैं, 39 रन बनाते हैं, परंतु ये जो पार्टनरशिप हुई ना 44 पे 3 से 96 पे 4 विकेट गिरता है, 65 रन की यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में पार्टनरशिप ने काफ़ी हद तक उबार दिया था, ऐसा लगा कि अब वापस से ये गेम टीम इंडिया की तरफ आने लगा है, केएल राहुल नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में भी एक अच्छी पार्टनरशिप 48 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, पर सडनली भाई साहब आउट हो जाता है यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, 144 रन पर इंडिया 5वां विकेट होते हैं, पर यशस्वी जायसवाल आउट होने से पहले 50 लगा दिए थे, 56 रन बनाए 118 गेंदों में, फिर 144 पे 6ठा विकेट गिर जाता है, केएल राहुल भाई साहब भी आउट हो जाते हैं। 144 में जब 6ठा विकेट गिराना, तब ऐसा सोच लिया था कि यार बहुत तगड़ी से तगड़ी बल्लेबाजी करेगी ना टीम इंडिया, अभी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इंडिया मुश्किल से मुश्किल 250 रनों तक पहुंच जाएगी, पर किसे पता था कि अभी चेपक का जो असली गुंडा है ना उसका आना बाकी है, और राजपूती जो स्वेग है ना उसका आना भी बाकी है, तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन 144 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आए, और अश्विन भाई साहब ने बोला कि जैसे ही शतक तो लगा ही दिया अश्विन भाई साहब ने यार, 108 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में 108 गेंदों में अश्विन भाई साहब ने शतक लगाया है, और जैसे ही पहले दिन का खेल समाप्त हुआ ना अश्विन ने कहा है कि यार मैं चेपो का गुंडा ही बनना चाहता था, एक तरफ ये गुंडे वाली ही पारी देखने को मिली है उनसे, कि मैं ऋषभ पंत की तरह बल्लेबाजी करना चाहता था, अग्रेसिव बैटिंग करना चाहता था, गेंदबाजों पे प्रेशर बनाना चाहता था, और मैंने अभी रिसेंट टाइम में अपनी बल्लेबाजी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया, और वो अश्विन की बल्लेबाजी में देखने को भी मिला, और वो 30 मिनट, मतलब वो 30 मिनट जिसने गेम वापस लिया, क्योंकि फर्स्ट सेशन 88 पे 3 ये पूरा तरीके से जो फर्स्ट सेशन था वो बांग्लादेश के नाम रहा, सेकेंड सेशन में भी इंडिया ने 88 रन बनाए और 3 विकेट खो दिए, ये भी बांग्लादेश के नाम रहा, पर जब थर्ड सेशन की शुरुआत हुई ना वहाँ पे 6 विकेटें तो गिरी हुई थी, 144 पे 6 विकेटें इंडिया की गिर चुकी थी, अगर थर्ड सेशन की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव मैनर में होती, अश्विन जडेजा सोचते हैं कि यार टुक टुक खेल लेते हैं, थोड़ा सा समय क्रीज पे बताते हैं, थोड़ा सा गेंदबाजों को थकाते हैं, उसके बाद में रन बनाएंगे, पर ऐसा नहीं किया, थर्ड सेशन की शुरुआत के 30 मिनट में ही 5 की इकोनॉमी बरकरार रही, 5 साढ़े 5 की इकोनॉमी, हर ओवर में एक बाउंड्री या तो अश्विन मार रहे थे या जडेजा मार रहे थे, मेहंदी हसन मिराज और शकीबुल हसन को सेट ही नहीं होने दिया, उनके स्पिनर्स को मेहंदी हसन मिराज और शकीबुल हसन को जडेजा और अश्विन ने इस तरीके से धोया कि जो राजपूती तलवार चली उन्होंने 50 लगा दिए और शतक का इंतजार कर रहे हैं, 86 रन पे जडेजा भाई साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं 117 गेंदों में, और अश्विन जो चेपो के गुंडे बन गए, यार इससे पहले भी जो अश्विन ने टेस्ट मैच चेन्नई में खेला था वहाँ पर भी शतक लगाया था 102 रन बना के 112 गेंदों में, वो भी नॉट आउट चल रहे हैं, और जो टीम इंडिया 144 रन पे
छह विकेट खो चुकी थी ना, अब इन दोनों ने सातवें विकेट के लिए 195 रन की पार्टनरशिप कर ली है। और इंडिया ने पहले दिन का जो गेम समाप्त हुआ ना 339 रन लिए 6 विकेट के नुकसान पे। तो जो पहली तो गौतम गंभीर की जो चाल की ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, इसके बाद में जो थर्ड सेशन के स्टार्टिंग के 30 मिनट थे कि जो गेंदबाजी अब थी, बांग्लादेश की बॉडी लैंग्वेज अब थी ना, उसको जडेजा और अश्विन ने काउंटर अटैक से, टुक टुक प्रेशर से नहीं, स्लो खेल के नहीं, क्रीज में समय बिता के नहीं, गेंदबाजों पे लगातार प्रेशर बनाते रहे, लगातार रन बनाते रहे। जो 30 मिनट थे ना स्टार्टिंग के थर्ड सेशन का, उसी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी थी। उसके बाद में जडेजा और अश्विन ऊपर छड़े रहे और जो थर्ड सेशन था ना उसमें 32 ओवर का मैच हुआ और 163 रन इंडिया ने बनाए और 5 से ऊपर की इकोनमी लगातार बरकरार रखी। अगर अश्विन जडेजा टुक टुक में आ जाते और विकेट बचाने की सोचते कि कुछ समय निकाल देंगे, हो सकता है इंडिया 2 से 3 विकेट और खो देती, आज ही के दिन ऑल आउट हो जाती। पर ये अश्विन और जडेजा का मास्टर स्ट्रोक था कि शकीब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज को सेट ही नहीं होने दिया, इनके खिलाफ लगातार बड़े शॉट्स खेलते रहे। अब इंडिया बना चुकी है 339 रन 6 विकेट के नुकसान पे 80 ओवर। जडेजा कल आएंगे जब अपना शतक पूरा करना चाहेंगे, अश्विन चाहेंगे कि क्या दोहरा शतक लगा सकते हैं, क्या इंडियन टीम कल फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन तक बल्लेबाजी कर सकती है, क्या 500 रन तक इंडिया पहुंच सकती है। कल अगर इंडिया फर्स्ट सेशन बल्लेबाजी कर लेती है तो 450 रन पहुंच गई ना इंडिया, फिर इंडिया के हाथ में टेस्ट मैच आ जाएगी। और जो बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हसन सेंटो ने कहा था कि हम इंडिया को टेस्ट सीरीज हराने की कोशिश करेंगे, और ये सवाल जब रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, हर कोई आता है इंडिया में, इंडिया को टेस्ट सीरीज हराने की कोशिश करता है, ये एक इंग्लैंड टीम भी आई थी इस साल के जनवरी फरवरी मार्च में, वो भी बोल के आई थी, स्टेटमेंट दे के आई थी कि इंडिया को हम इंडिया में जाके हराएंगे, देख लो इंग्लैंड का क्या हुआ। अब यही हालत बांग्लादेश के होने वाले हैं, तो मज़ा आ रहा है कि हर कोई आता है और इंडिया को हराने की कोशिश करता है, परंतु रोहित शर्मा वैसा बोले कि वो उनका एक सपना ही रहता है, उम्मीद यही करके चल रहे हैं कि जडेजा का शतक आए और अश्विन का एक बड़ा शतक देखने को मिले। परंतु पहला दिन पूरी तरीके से अश्विन और जडेजा के नाम रहा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला यार, सल्यूट करता हूँ यार अश्विन और जडेजा, टॉप ऑलराउंडर्स हैं इंडिया के पास इस वक्त।